द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के डबरा में पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि पिछले वर्ष हमारी धान का रेट 3200 था, इसके बाद महंगाई बढ़ गई, डीजल में रेट बढ़ा दिए गए, मगर इस वक्त हमारी धान का कुल मूल्य 1400 से 1700 के बीच दिया जा रहा है, जबकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ हमारे धान का रेट 4000 से 4200 तक होना था। अगर किसान अपनी वार्षिक फसल इस मूल्य में बेचेगा तो उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी कड़ी में युवा किसान संगठन के अध्यक्ष जय रावत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमसे शाम 6 बजे मिलने का वादा किए हैं। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला डबरा में पिछले 20 दिनों से जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, जहां उनकी धान के रेट नहीं मिल पा रहा, अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, वहीं 3200 रुपये रेट में जा रही थी उनकी धान, अब जो वो धान के रेट जो है घटा करके 1500 से 1700 के बीच में कर दिए। इसी मांग को लेकर किसान बराबरों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के आज जय रावत जी हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। और माना ये जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज का टाइम दिया उन्हें शाम 6 बजे का मिलने का। चलिए हम जानते हैं रावत जी से क्या कहना है आपको। जी 20 तारीख से हमने आंदोलन शुरू किया था और 20 तारीख से सभी, मतलब हमारा पूरा जो ग्वालियर संभाग है, पूरा संभाग इस आंदोलन को कर रहा था, पूरा किसान इसमें जुड़ा हुआ था। अभी हमने कईयों बार ज्ञापन के तरीके से, मतलब ज्ञापन देकर SDM को भी ज्ञापन दिए और भी ज्ञापन देकर प्रस्तुत किया कि भाई हमारी ये मांगे हैं, इनको स्वीकार किया जाए और इन पर संशोधन किया जाए। चूँकि क्या है, हमारी जो मांग है वो जायज़ है और जायज़ मांगों को अपना हक लेने के लिए हमें प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा। क्या वजह रही है जो पिछले साल धान का रेट जो था 3200 रुपये आ रहा था, बट इस साल जो घटा करके उसके 1500-1700 के बीच में कर दिया, क्या वजह रही है इसको? वजह तो ये सरकार बताएगी कि क्या वजह है कि इसके कारण मतलब इतना रेट कम किया है उन्होंने। हमारा तो जो सबसे पहली जो मांग है कि हमारी धान का रेट हमें 4000 तो दिया जाए कम से कम, क्योंकि हमारा जो लागत मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले साल से अब तक में जो डीजल के रेट हैं और जो भी रेट जो है उसमें बढ़ा दी गई हैं दरें, वहीं पर आके धान के साथ में रेट कम करना क्या ये उचित है? जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उस प्रकार से कहीं ना कहीं धान का रेट का मूल्य भी बढ़ना था, क्योंकि किसान का एक ही आय रहती है जो सिर्फ खेती से होती है। अगर किसान की वही आय नहीं होगी और वो जितनी लागत लगाएगा उससे भी कम उसको पैसा मिलेगा जब धान वो बेचने जाएगा मंडी में, तो वो फिर अपना जीवन यापन कैसे करेगा? उसको तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं जहर देना पड़ेगा। और कई लाखों किसान, मतलब इसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं लाखों किसान आत्महत्याएं करेंगे आने वाले समय में, अगर इस रेट पर धान का बिक्री हुई तो मंडियों में। अभी तक आपके साथ कितने ज़िलों के किसान आपके साथ जुड़े हुए, कितने ज़िलों के किसान आके वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? पूरा ग्वालियर संभाग का किसान इसमें जुड़ा हुआ है। डबरा मंडी मध्य प्रदेश की अनाज मंडियों में जानी मानी मंडी है, बड़े स्तर की मंडी है, जिसमें काफ़ी पूरे संभाग से किसान आते हैं वहाँ पर। वहीं पर आज प्रेजेंट में आज भी वहाँ पर आंदोलन हुआ है, वितरवार रोड को जाम किया गया है, किसानों ने प्रदर्शन किया है और हम यहाँ पर भोपाल आए हुए हैं। CM शिवराज जी ने हमें समय दिया था अपनी मांगों को लेकर। आज हम पूरी ताकत के साथ अपने संभाग के, पूरे मध्य प्रदेश की किसानों की आवाज़ उठाएंगे और उनके सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये हमारी मांगें हैं, इन मांगों को आप कहीं ना कहीं इनको पूरा करें 7 दिन के अंदर। अगर आप 7 दिन के अंदर इनको पूरा नहीं करते तो हम आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी आंदोलन किए, वो शांतिपूर्ण तरीके से थे। क्या लगता है आपको, आपकी जो मांगे जो हैं ये मांगे पूर्ण रूप से पूरी की जाएंगी? जायज़ मांगे हैं तो पूरी करनी चाहिए सरकार को। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन होगा, चुनाव का बहिष्कार होगा। ये हमारी पूरी रणनीति तैयार है, चुनाव के बहिष्कार की रणनीति, पत्रक भी हमारे छपे हुए रखे हैं।
चूँकि हमें आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री जी से कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपसे मीटिंग करेंगे, इसलिए हमने कुछ समय के लिए उनको ये अल्टीमेट जो है स्थगित हुआ था कुछ समय के लिए। लेकिन आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं स्वीकार की गई 7 दिन के अंदर, तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की रहेगी। चलिए, हमारे साथ अभी वहाँ के डबरा के अभी एक और मूलवासी जो यहाँ पे किसान आंदोलन में अपना पूरा योगदान दे रहा है, मतलब वो भी मौजूद, चलिए हम उनसे जानते हैं क्या मूलभूत उनकी मांगें हैं और क्या समस्याएं उनको सामने आ रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीतू रावत है, मैं बीके सिंह क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। तो ये जायज कोई अनायज नहीं है, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब धान का इतना कम मूल हो गया है तो इसमें तो बढ़ोतरी होना ही चाहिए, क्योंकि जो धान का जो अभी मूल है वो 1400 से लेकर 1700 प्रति क्विंटल के भाव से जो खरीदी जा रही है, तो बताइए आपके जैसे इतनी अगर लगत और डीजल का है रेट काफ़ी ऊपर है, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इतनी जो चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी भी मिली हुई है किसान लोगों को, तो क्योंकि जैसे पहले जो बीघा लगता था तो बिहारी वगैरह आ जाते तो 1000 रुपये में पर बीघा लग जाता था, मगर इस बार तो 2000 से 2200 रुपये उन्होंने बीघा का हिसाब लिया है, और डीजल भी इस बार महंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो किसान जुड़ा हुआ है तो उन्हीं चीज़ों से जुड़ा है। तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने की है, किसी से आवेदन वगैरह दिए हैं तो कहाँ कहाँ? हाँ, इसे पहले हमने आवेदन SDM साहब को भी दिया है और मंत्री जी को भी दिया था डबरा विधानसभा में, मगर वहाँ पर कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। तो आपको वहाँ से कोई आश्वासन दिया गया या आपको वहाँ से कोई ऐसा संतुष्टिजनक कोई जवाब मिला? नहीं, ऐसा हमें अभी तक कोई नहीं मिला कि मतलब इसके धान का भी तक रेट बढ़ाया जाएगा। अगर हमारी अगर रेट नहीं बढ़ती है तो इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। अभी हमने जैसे धरना दिया था, इस बार हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। देखा आपने कितना गुस्सा है हमारे देश के किसानों में, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारा देश अगर कहा जाता है जिस तरह किसानों के द्वारा हमारा देश चलता है, वही किसान आज परेशान हैं, धरना देने पर मजबूर हैं। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है हम आगे भी धरना करते रहेंगे और जो उपचुनाव आने वाले हैं हम उसकी भी खिलाफत करेंगे। कैमरामैन अमन के साथ मैं आदिल खान, KKR न्यूज़ भोपाल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।